प्रॉब्लम्स हमारे जिंदगी में एक सच्चाई की तरह है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता है। जिंदगी हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी जिंदगी में मुसीबतों को पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ संभल जाते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रॉब्लम्स के दो तरीके देखा जाता है। नंबर वन, प्रॉब्लम पर फोकस करना और प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन करना। प्रॉब्लम फोकस पीपल्स अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वही दूसरी ओर सॉल्यूशन फोकस पीपल्स जो रहते हैं मुसीबतों को हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट के सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक महान सॉल्यूशन इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूं, जो आपको किसी भी मुसीबतों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान निडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजय सेनापतियों में से एक गिना जाता था। वो इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक थे। उसके सामने कोई रुक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरा काम किया करते थे। एक बार उन्होंने अल्पस पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करने का किसी के ऊपर साहस नहीं था। उसकी सेना में अचानक हलचल सी स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास ही में एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही ये सुना, वो उसके पास आकर बोले कि क्या मरना चाहते हो? ये जितने भी लोग आए हैं वो मूखी खाकर यही रह गए। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय मोटिवेट हो गया और झट से हीरो का हार उनको गिफ्ट में दे दिया गया, उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया। फिर उन्होंने बोला, आपने मेरा उत्साह दुगना कर दिया और मुझे मोटिवेट किया, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार जरूर करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए, जो करने या मरने का ठान लेते हो और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हो। वो लोग कभी नहीं हारते। दोस्तों, आज सचिन तेंदुलकर को इसीलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जरूरत के समय में अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभारा। ऐसा नहीं है कि ये मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती है। भगवान श्री रामचंद्र से सामना भी हुआ था, ये मुसीबत आई थी। विवाह के बाद वनवास का मुसीबत, उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते जाते हैं। मुसीबतों ही हमें आदर्श बनाती है। दोस्तों, अंत में एक ही बात याद रखिए, जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह है, और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें फूक मार के मलाई को साइड कर चाय पीना आता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।